Hey guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So I welcome you back to the yet another video in which we will be solving questions of Council of Ministers. अगर आप follow कर रहे हैं मुझे पहले से तो आप जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्या बात करने जाऊँगा. Without a further ado, we will start for the questions. The Council of Ministers does not include Cabinet Minister. इंक्लूड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी आते हैं, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो भी आते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं आते. एक्चुअली कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो होता है सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर. आईएएस ऑफिसर वही जो आपके दिमाग में आ रहा है अभी, आईएएस ऑफिसर जो आईएएस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होते हैं ना, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू. यूनियन कैबिनेट आप समझ सकते हैं कि इट्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द राज्यसभा एंड लोकसभा, नॉट द इलेक्टोरेट, डेफिनेटली नॉट द लोकसभा ओनली. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ऑल राइट, सो आर्टिकल 74 हमको क्या पता था, कल के वीडियो में मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूज कर लिया था अपने आपको. आर्टिकल 72, 73, 74, 75 में 74 टॉक्स अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु कैन एड द प्रेजिडेंट. फाइन, और 75 में आपकी अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं. ऑल राइट, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट. ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया है, पिछले वीडियो में भी आया है. द प्रेजिडेंट, द वाइस प्रेजिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया. जवाहरलाल नेहरू फ्री इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे. ठीक है, कुछ टाइम के लिए डिफेंस मिनिस्टर भी थे. फाइन, सो फिर गुलजारीलाल नंदा सेकेंड फॉरेन मिनिस्टर थे, और लाल बहादुर शास्त्री थर्ड फॉरेन मिनिस्टर थे. जॉन मिथाई जो अगर मैं बोलूँ तो ही वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अरे व्हेन आई से कि फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कंसिडर कि आई होप कि यू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री इंडिया, नॉट दी बिफोर इंडिपेंडेंस वाला इंडिया. इफ़ द फाइनेंस मिनिस्टर फेल टू गेट द एनुअल बजट पास इन द लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ हिज और हर कैबिनेट. क्योंकि लोकसभा क्या है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी की होती है, और खुद के पार्टी में फाइनेंस मिनिस्टर कन्विंस नहीं कर पाया तो क्या होगा, उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा. गाइज, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको इस वीडियो में ना, लाइक दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स विच यू नीड टू रिमेंबर, देर इज नो लॉजिक अबाउट इट. फाइन, अगर मैं बोलूँ आपको फर्स्ट प्राइम प्रेजिडेंट, लाइक ना हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ, हिज रामनाथ कोविंद, नाउ देर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. यू नीड टू रिमेंबर रामनाथ कोविंद, राइट? सो हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस एच जे कानिया. तो इट इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, लाइक यू नीड टू रिमेंबर थिंग्स, लाइक रिमेंबर हिज नेम, देर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन है बहुत सारे इसमें. फाइन, सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर, एक और बार, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा एंड लोकसभा. लोकसभा क्योंकि लोकसभा इज मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं लोकसभा में ज़्यादा होते हैं राज्यसभा से. ठीक है, और लोकसभा से ही अपने इलेक्टेड, नॉट इलेक्टेड, जो अपना प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ लोकसभा होता है, राइट? सो सारी चीज़ उनके रिवॉल्व होती है, तो इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा. सो दैट इज द आंसर. With reference to the Constitution of India, consider the following statement. The Council of Minister of the Union are responsible to both the houses of the Parliament. No, अभी बताया मैंने. He is not responsible for both the houses. He is only responsible for the Lok Sabha. The President of India cannot appoint anyone as Union Minister not recommended by the Prime Minister. Definitely, Prime Minister recommends. मतलब जो भी मिनिस्टर है, एंड देन उसके ऊपर चूज करता है प्रेसिडेंट. ऑलराइट, सो टू ओनली इज द आंसर. हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962. जो इंडो चाइना वॉर हुई थी 1962, हालांकि इस पर क्वेश्चन आया था, विच पैरामिलिट्री फोर्सेज वॉज इंट्रोड्यूस इन 1961 इंडो चाइना वॉर, दैट इज आई टी बी पी.
ITBP इंडो टिबेटिन बॉर्डर ऐसी कुछ करके है, ठीक है। ये क्वेश्चन आफ्टर 2021 में आया हुआ था, ठीक है, अपेयर हुआ था। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दैट इज VK कृष्णा मेनन, ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर व्हेन जो इंडो चाइना का हो रहा था। सो और क्या है, गोविंद बल्लभ पंत वॉज द होम मिनिस्टर, ठीक है। और आर एन थापर इज नो वन, PN थापर होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है, तो मतलब ऑप्शन गलत है। PN थापर वॉज द फोर्थ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ऑलराइट, सो याद रखना ये भी चीज। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फंक्शनिंग ऑन अ परमानेंट फूटिंग सिंस 1961। नाउ 1961 से एक चीज जो परमानेंट थी वो थी होम अफेयर्स, ठीक है, ये भी स्टार्टिंग वाला पार्ट है, याद रखना, ठीक है। हु इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, दैट इज मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ना अगर आप मनमोहन सिंह के बारे में जानना चाहेंगे तो ही वॉज लाइक बहुत दिमाग वाले थे, ठीक है। एक फैक्ट बताऊं, ऐसा कहते हैं कि ही डू नॉट नो हाउ टू राइट एंड रीड इन हिंदी, फैक्ट है। सो क्या कर सकते हैं, फैक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज 75, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने 75। और 72 आपकी पार्डन पावर ऑफ प्रेजिडेंट बताता है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताता है, राइट, ये चीज़ है। और कौन सा आर्टिकल है, 74, वो भी बताया था मैंने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एड प्रेसिडेंट, फाइन, और ठीक है। और आर्टिकल 70 आपकी बताता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन द कंटिंजेंसीज के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है। Which of the following amendment of the Indian Constitution restricts the size of the Union Ministry? That is 91st Amendment Act. ठीक है, 91st Amendment Act, ये भी याद रखने वाली चीज है। Which one of the following is not a department of a department in the Ministry of Human Resource Development? HRD हमारे कॉलेज में भी एक क्लब था, HRD क्लब। सो उसका मैं सेक्रेटरी बनने वाला था लेकिन कोरोना आ गया, बैकग्राउंड। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो नहीं आता है। सो इसके अलग से हम क्या रिमेंबर कर सकते हैं, HRD में क्या क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट। सो ये तीनों आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नहीं आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। Which one of the following motion can the Council of Minister of India move? That is confidence motion. Confidence motion pass कर सकता है Council of Minister, ठीक है, वो pass कर सकते हैं। No confidence motion can only be passed in Parliament. The member of Lok Sabha members who can table a no confidence motion against the Council of Minister, that is number is 50. ठीक है, 50। The first law minister of the independent India is law minister B.R. Ambedkar, the father of the constitution, Ambedkar, father of constitution. Cabinet means, देखो अभी, all ministers in the governance, नहीं, ministers with cabinet rank, yes, cabinet ministers and their secretaries, नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, secretary is a senior most IAS officer, he is not a part of cabinet, minister of state, नहीं, सिर्फ ये नहीं, ठीक है। सो कैबिनेट विथ मिनिस्टर्स विथ कैबिनेट रैंक, टू हुम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैंने पहले ही बताया ना, प्रेसिडेंट आते हैं यूनियन में, फिर वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट एंड ही कैन एड प्रेसिडेंट ऑल्सो। सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Archaeological Survey of India is an attached office of the Department Ministry of Culture. Ministry of Culture. ठीक है, ये चीज याद रखना, यार याद रखने वाली चीज है यार। I cannot do much about this. You need to remember this thing. ठीक है, Under which one of the ministries of the Government of India Food and Nutrition Board comes? That is HRD Club.
नॉट क्लब यार, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? चलो देखते हैं, एक्चुअली सारे हैं। वीपी सिंह 84 से 87 थे, वाईबी चवन 70 से 74 तक थे, आर वेंकटारमन 80 से 82 तक थे, और फिर प्रणब मुखर्जी दो टेन्योर तक थे, 2009 से 2012 और फिर 1982 से 1984 तक थे। अभी की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन, फाइन। और उससे पहले अरुण जेटली थे, ओके। एजर्शन एंड रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ द इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा? यस, अभी यही क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, राइट। सो फिर उसके बाद द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल to be the minister of the union government. Yeah, sahi hai, but it is not the correct explanation for the first assertion. Theek hai, so both A and R are true, but R is not the correct explanation for A. Which of the following Constitution Amendment Act seeks the size of the Council of Ministers at the center and in state must not exceed 15% in the total number of the members in the Lok Sabha and the total number of members of the Legislative Assembly of that state respectively? 91st Amendment. यही चीज एक और थोड़ी देर पहले किया था ना हमने, 91st अमेंडमेंट। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, यही 15% 91st अमेंडमेंट एक्ट। With reference to union government, consider the following statement. The number of minister at the center on 15th August 1947 was 18. Yeah, definitely. Or the number of minister at the center is in present is 48. So both 1 and 2 are right. Under the administration of which one of the following is the Department of Atomic Energy, Prime Minister's Office? अगर आपने वो परमाणु मूवी देखी होगी तो, अगर आप relate कर सकते हैं तो, so prime minister ke under aata hai atomic energy ka. So with this I end up the video here. I hope that you have understood some of the things from this video. I hope ki aap if you have gained any sort of knowledge, guys, request you to subscribe it, hit that bell icon, and I'll meet you in the next video. Till then, take care, bye bye.